हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग ट्रेन का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास दो हो चुकी है आपकी ट्रेन की, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप ट्रेन के दोनों टॉपिक जो है कि देख सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, वो टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि किस टाइप का थर्ड टाइप का क्वेश्चंस बनता है। तो दोस्तों, इसमें कहता है कि दो समान ट्रेन, ठीक है, एक आपकी विपरीत की कंडीशन बनती है दो ट्रेन जो है समान पटरी पे जो है कि समानांतर पटरी पे जो है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। इस ट्रेन की लंबाई L1 है और इस ट्रेन की लंबाई क्या है, L2 है, और दोनों की स्पीड भी अलग अलग दे रखी होती है। जैसे इसकी स्पीड 1 है और इसकी स्पीड S2 है। तो ये पूछता है क्वेश्चन में दोस्तों कि दोनों ट्रेनों की लंबाई अलग अलग है और दोनों ट्रेनों जो है कि अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी, ठीक है। तो इन दोनों को इस अगर निकालना होता है टाइम कितने टाइम में, तो L1 लेंथ यानी आपकी फर्स्ट ट्रेन की प्लस L2 यानी दोनों की लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं और दोनों की स्पीड को हम S1 प्लस S2 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं, देन हमारा आपका टाइम फाइंड आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक आपका होता है, ये विपरीत की कंडीशन में अगर होता है, तो विपरीत दिशा में अगर ट्रेन चल रही है और दोनों को पूछता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि दूसरा क्या होता है। दूसरा कहता है कि समान दिशा में दो ट्रेनें जो है कि समांतर पटरी पर एक दूसरे के समान दिशा में चल रही हैं और अपनी अलग अलग स्पीड से, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, ये देखिए दोनों क्या है, एक दिशा में बात कर रहे हैं, उसमें क्या था विपरीत दिशा में, ये एक दिशा में या समान दिशा में, ठीक है। जब समान दिशा में बात करता है, इनकी भी लेंथ क्या होती है, अलग अलग दी होती है L2, और स्पीड भी क्या, इसकी स्पीड 1 दे दिया, इसकी स्पीड 2 दे दिया, यानी कि अलग अलग स्पीड भी दिया होता है दोनों कंडीशन में, विपरीत दिशा में और समान दिशा में दोनों में। तो आपकी इस कंडीशन में निकालने के लिए क्या होता है, सेम चीज होता है, L1 प्लस L2 दोनों की लेंथ को ऐड कर लेते हैं प्लस आपका यहाँ पे क्या होता है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं और स्पीड के डिफरेंस से हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपका S1 इज ग्रेटर देन S2, या अगर आपकी स्पीड जो है कि S2 से ज्यादा है, तो S1 माइनस S2 को कर लेते हैं, ठीक है। अगर S2 स्पीड ज्यादा है, S1 कम है, तो दोनों में से हम S2 माइनस S1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद आपको हम चलते हैं क्वेश्चन पे, इस टाइप से क्वेश्चन कौन सा बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो ट्रेन एक समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर तथा 250 मीटर है और वे 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आपकी ये ट्रेन है, आपकी एक ये ट्रेन है, दोनों समांतर दिशा में चल रही हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसकी ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है? 200 मीटर। इसकी लंबाई कितना दे दिया? 250 मीटर। ठीक है, इसकी स्पीड दे रखा है कितना? 51 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखा है 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों विपरीत दिशा में जब क्वेश्चन होता है आपका ट्रेन से रिलेटेड, तो दोनों की लंबाई को हमने क्या कहा था? L1 प्लस L2, यानी कि दोनों की लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं, ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? इस डिस्टेंस ये 200 आप क्या इसकी हो जाएगी फर्स्ट ट्रेन की, और 250, ये टोटल कितना आ गया आपका? 450 मीटर। ठीक है, 450 मीटर है, लेकिन स्पीड इनकी दे रखा है किसमें? किलोमीटर में। दोनों स्पीड को हम क्या करते थे? ऐड कर देते हैं, तो इसका आपका हो जाता है 51 प्लस आपका कितना है? 39, ये 90 90 किलोमीटर पर आवर यानी कि चल रहा है, एक घंटे में ये 90 किलोमीटर दोनों मिल के चल रहे हैं। तो इसकी स्पीड को हम पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए 90 इंटू 5/18, 18 से इसको 5 टाइम्स में करते हैं, यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये कितनी जा रही है? 25 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका 450 मीटर की डिस्टेंस को कवर कितने टाइम में करेगा? तो आपका 450 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, यह आपका 18 सेकेंड, यू विल गेट आंसर 18 सेकेंड, यानी कि ये एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगी? 18 सेकेंड। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके एक कमेंट से मोटिवेट होकर हम आपके लिए नई नेक्स्ट वीडियोज लेके आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कि अदर स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं इस वीडियोस को, जिससे दूसरे भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन को कम टाइम में और कितना इजी वे में, आपका जितना कम टाइम आप टेकिंग करोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, उतना ही प्लस पॉइंट आपके लिए होगा, तो ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जीरो मैथ मैजिक फार्मूला आपको ये ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करके शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को करना सिखाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर पटरियों पर चलती हुई एक दूसरे को एक सही 1/2 मिनट में पार करती हैं, यानी 1.5 मिनट में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक ट्रेन समांतर पटरियों पर चलते हुए एक दूसरे को इतने मिनट में पार करते हैं। ठीक है, ये आपका इस ट्रेन की स्पीड कितनी है आपके? 68 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों की लंबाई पूछा है, ठीक है, ये दोनों इतने स्पीड से चलती हैं तो एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार करती हैं। दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर दोनों मिल के 1 घंटे में चलती हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। थ्री से अगर काटते हैं इसको तो 6 टाइम्स में, और ये होता है 3 3 9 और 3 6 18। 6 से इसको करते हैं 6 टाइम में, यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी जा रही है? 30 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मिनट में पार कर जाती हैं 1 सेकेंड में। तो देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड, और आपका टोटल 1.5 मिनट की अगर टाइम को हम करते हैं तो ये कितना हो गया? 90 सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि 90 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 1 सेकेंड में 30 मीटर, तो 90 सेकेंड में कितना गई होगी? 2700 मीटर। ठीक है, 2700 मीटर, यानी कि आपका जो पास हुआ, तो ये दोनों ट्रेनों की लंबाई है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई के लिए क्या कर देंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 1350 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक ट्रेन की 1350 मीटर। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं समान दिशा में।